काम हुआ? हो गया मलिक साहब, हमने उसे खेत के पास वाले गोदाम में बंद करके रखा है। अब मुर्तजम खान को पता चलेगा कि जब कोई कीमती चीज छिनती है ना तो बहुत तड़प होती है। गिड़गिड़ाएगा वो, मेरी हर शर्त मानेगा, मेरी जमीन वापस करेगा, तब जाकर उसकी बीवी लौटाऊंगा मैं। मलिक साहब, कहीं खान उसे ढूंढता हुआ यहां ना आ जाए। उसके लिए उसे हमारी इजाजत की जरूरत है, और वो मैं उसे कभी नहीं दूंगा। कभी नहीं दूंगा करीम, तुम बस इस लड़की पर नजर रखो। ठीक है मलिक साहब। मुर्तजम खान, तेरी इज्जत का जनाजा तो निकाल के ही रहूंगा मैं। मेरी बात हुई मालिक, वो कह रहे हैं कि उनकी जमीन पर बगैर इजाजत के आप दाखिल नहीं हो सकते। बताया कि हम किसको ढूंढ रहे हैं? बताया मालिक, उन्होंने कहा कि कल दिन के वक्त आके उनके डेरे पर इजाजत ले लें। मैं जाऊंगा इजाजत ले ले। मैं जाऊंगा। मालिक, ये भी तो हो सकता है कि बीबी जी उनकी जमीनों की तरफ ना गई हो, ये भी तो हो सकता है। मेरा दिल कह रहा है कि वो यही कहीं है, फिर मैं महसूस कर सकता हूं। अब और इंतजार नहीं कर सकता। मालिक, उनकी जमीनों पे हमें इजाजत के बगैर नहीं जा सकते। मालिक, बीवी में इतना मगन है कि कॉल तक नहीं उठा सकता, अपनी खैरियत नहीं बता सकता। मीरब ने मना किया होगा। ये क्या हो रहा है? ये फोन क्यों फेंका तुमने? क्या हुआ क्या तुम्हें? मीरब मुर्तजम के साथ गई है, ये तकलीफ है क्या? अब ये क्या हया, फिर से खराब हो गया, चल नहीं रहा तुम्हारा फोन। उसका फोन खराब है और तुम फरिश्ते की तरह से बचाने आ गई, क्या मसला है? नहीं माँ, रात से कह रही थी कि फोन नहीं चल रहा, खराब हो गया है। फोन खराब है तो उसे ठीक कराया जाता है ना, कि यूं फेंक दिया जाता है। क्या मुफ्त में आती हैं चीजें? खराब हो गया था तो फेंक दिया। एक बात बता रही हूँ मैं तुम्हें, लड़कियों का गुस्सा और ये जज्बातियत गवारा नहीं है मुझे, संभाल लो खुद को। फोन तोड़ दिया। बेवकूफ लड़की, तुम्हें शौक हो रहा है माँ बेगम के हाथों पिटने का? मुझे नहीं शौक हो रहा, उनको शौक हो रहा है मुझे मारने का। तुम्हारी हरकतें भी तो ऐसी हैं। क्या गलत किया मैंने? अच्छा खासा मोबाइल फेंकने की क्या जरूरत है? मुझसे मेरी कॉल नहीं उठा रहा। ओ, तो भाई के पीछे तुम सब चीजें तोड़ दोगी अपनी? तो और क्या करती? एक तो वो मीरब के साथ गया, पर से मैं इतनी देर से कॉल्स कर रही हूँ, एक कॉल नहीं उठा रहा। हया, बंद कर दो अपना ये पागलपन। पागलपन नहीं है, मोहब्बत है, मोहब्बत की तड़प है। हाँ, जिसमें तुम अकेले ही तड़पे जा रही हो।
जिस अजियत से मैं गुजर रही हूँ ना, मैं चाहती हूँ सब उससे गुजरे। अल्लाह ना करे। क्यों, तुम किसी को दिल दे बैठी हो जो ये कह रही हो? ये सब उस मीरब के लिए। रुक जाए मालिक, रुक जाए, ना जाए मालिक। रात हो रही है बख्तो, सुबह होने से पहले मुझे मीरब चाहिए। मालिक, हम उनकी इजाजत के बगैर उनके जमीन में दाखिल नहीं हो सकते। बात मेरी इज्जत की है, मेरी जान की है। क्या मालिक, अगर बीबी जी यहां होती तो हमें मिल जाती। हम कब से उन्हें तलाश कर रहे हैं मालिक। वो यही है, वो यही है। आप जाइए, उधर तलाश कीजिए, जाइए। मालिक, आप यहां? शायद आपसे गलती हो गई है यहां आने की। गलत जगह खड़ा हूं लेकिन सही वक्त पे। हाँ, नहीं, मलिक मुख्तार की जमीन। जानता हूं। हाँ, आप जानते हैं, आपको यहां आने की इजाजत नहीं। मलिक को पता चला तो हमारे बच्चे। मैं इजाजत दूंगा, मैं इजाजत दूंगा। मेरी बीवी अरति से शायद यहां आ गई है, तलाश लूंगा बस। मालिक, अंदर सिर्फ हमारा अनाज पड़ा है, मैं आपके पांव पट्टा हूं। आप एक बार मालिक से इजाजत ले, वरना वो जान से मार डालेगा। मालिक चले यहां से, बीवी यहां नहीं है। Thank you.
मीरा, क्या हुआ खान? क्या हुआ? कुछ नहीं, तेज बुखार है। आप जाइए, पानी लेकर आइए। ये हाल किसने किया? पानी लेकर आइए प्लीज। अच्छा मीरा, मेरे पास खोलो। मीरा, मीरा, मीरा। मैं कर दूं खान? आप जाइए। सुनिए जी, ये बात इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। जैसे जैसा आप कहो। Thank you.
क्या चाहिए मुझसे? जरूरी तो नहीं हमेशा कुछ चाहिए ही हो। कल तुम्हारा नया मोबाइल आ जाएगा, लेकिन हया मैं तुम्हें इस तरह से नहीं देख सकती। कैसे? जैसे तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया हो, जैसे खुदा ना खास्ता कोई मर गया हो। तुम तो लगता था सब कुछ तहस नहस करना चाहती हो। एक मोबाइल ही तो तोड़ा है। मोबाइल? मुझे तो लगा वो मोबाइल नहीं किसी का सर था जो तुमने तोड़ा। इस तरह नहीं चलता बेटा। शादी के बाद लड़कियों को ससुराल में दब के रहना पड़ता है। मेरी शादी तो नहीं हो रही। एक ना एक दिन तो होनी है ना ही हो, वरना मैं भी मुंह मोड़ लूंगी। क्यों मुंह मोड़ लोगी? क्योंकि मैंने तो ऐसा ही देखा है, सगी औलाद भी शादी के बाद मुंह मोड़ लेती है, और मैं तो फिर आपकी बेटी नहीं हूं। मुर्तसम की बात कर रही हो ना? जी, ना सिर्फ अपनी बीवी की बेजा हमायत करता है बल्कि उसको अपने साथ भी लेकर चला गया और फोन भी नहीं किया। किया आपको फोन? नहीं। बीवी के साथ जो गया है भूल गया आपको? मुझे नहीं भूल सकता वो, मैं माँ हूं उसकी। अच्छा, तो फिर पहले जब जाता था पहुंचते साथ ही आपको फोन करता था, पल पल की खबर देता था, फिर अब क्यों नहीं फोन किया? कोई बात नहीं, मैं फोन कर लूंगी उसे, देखते हूँ। कैसे हो सकता है? लेकिन नहीं, ऐसा हो भी सकता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं सोच रही हूँ खुदा ना खास्ता मुर्तसिम कोई बात ना हो, मैं बख्तों से पूछती हूँ। सलाम माँ बेगम। पख्तू खान कहाँ है? वो माँ बेगम अपने कमरे में। तो बात क्यों नहीं कर रहा? ठीक तो है ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है माँ बेगम। तो फिर फोन क्यों नहीं उठा रहा? तुम फोन लेकर जाओ, मेरी बात करवाओ। वो माँ बेगम असल उन्होंने मना किया है कि वो अभी किसी से बात नहीं कर सकते। मुझसे बात नहीं कर सकता? जी वो कह रहे थे कि थोड़ा आराम कर लूं, कल बात करेंगे। ठीक है। क्या हुआ? कह रहा वो बात नहीं कर सकता। आज बात कर नहीं रहा, कल को आपकी बात मानेगा नहीं। बताएं, था कभी मुर्तसिम ऐसा? मीरब से शादी के बाद हुआ है ना? मुझे शादी नहीं करनी माँ बेगम, मुझे आपको छोड़कर नहीं जाना है इस घर से। वाह बेटा वाह, माँ से बात नहीं करनी तुम्हें?
कैसी हो? क्या हुआ था कल? क्या? जब मैं मना करके गया था, कहकर गया था कि गाड़ी में रहना, तो क्यों निकली बाहर? नीरव, मेरी इज्जत, मेरे खानदान की इज्जत, सब कुछ इन्वॉल्व है। एक एक बात डिटेल में बताओ मुझे प्लीज। तुम वहां तक कैसे पहुंचे? गाड़ी में बैठी हुई थी, वहां मैंने फील्ड्स में दो बकरी के बच्चे देखे। और फिर मैं के साथ के पीछे भागना शुरू कर, और वहां पे वो तीन लोग थे, वो तुम्हें बुरा कह रहे थे। हमारे मालिक की जगह हड़प करके इस गांव का बड़ा बन के बैठा, लेकिन अपनी बीवी को ना रोक सका। देखो, वो दावत लेकर आ गई हमारे पास, अब ये दुश्मनी खत्म करेंगे, वो भी आपके जरिए। मान का सर झुकवाएंगे पूरे गांव के आगे। मैं कह रही हूँ हटो मेरे रास्ते से। पकड़ो, पकड़ो। मेरे पीछे भागना शुरू हो गए। मैं भागती गई, मुझे नहीं पता चला था कि मैं कहाँ चली गई हूँ। और बस तुमने मुझे रात को क्यों नहीं बताया? हुकुम, मैं आया था पर आप सो चुके थे। बाबा जी, साबिर करीम कहां पर है? कोई फोन ही नहीं उठा रहा। तुमने देखा किसी को? कहां मर गए ये सारे यार? तुम्हारे तीनों बंदों को मुर्तसिम ने उठा लिया है। क्या? जुर्रत तो देखो उसकी, हिम्मत देखो उसकी। मेरी इजाजत के बगैर मेरे खेतों में घुसकर मेरे बंदों को उठा कर ले गया वो। इस बार उसे जवाब देना पड़ेगा। पंचायत में बुलाऊंगा उसे, छोड़ूंगा नहीं मुर्तसिम खान को। भी कल तुम्हारे साथ क्या हो सकता था? मैं जानती हूँ, लेकिन अब तो मैं ठीक हूँ ना? लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ। तो मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम किसी की जान लो। तुम्हारी जान? मुर्तसिम, दिल तो कर रहा है वाकई तुम्हें जान से मार दूँ। मेरा तुम मुझे मारोगे? और जो तुमने मुझे मारा कल रात,
एक एक लम्हा एक एक पल वो रात मुझ पे भी गुजरी थी और सारे इल्जाम तो मुझे दे रहे हो। मना किया था ना गाड़ी से मत निकलना, लेकिन तुम तो वही मेरा बना, अपनी मनमानी करने वाली अपनी जिद। और तुम क्या हो, तुम भी तो अपनी मनमानी अपनी जिद। कभी कुछ ऐसा नहीं करता मीरा जिससे तुम्हें कोई नुकसान। मुझे नहीं पता था कि वो तराजे की जमीन है। तो क्या मेरा एक दफा कह देना काफी नहीं था, उसका कोई मतलब नहीं। मैं कोई भेड़ बकरी नहीं हूँ जिसे तुम जहाँ बांध गए वहीं खड़ी रहेगी। मेरा जो दिल चाहेगा वो मैं करूंगी। बिल्कुल ठीक, तो अब मेरा भी जो दिल चाहेगा मैं वो ही करूंगा मीरा। तुम कुछ नहीं करोगे, मेरी मर्जी, मैं वो ही करूंगा जो मेरा दिल चाहेगा। इस वक्त मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दे रही। चुप करके बैठो इधर, मुझे मेरा काम करने दो। वैसे तो मुझे तुम्हें खुशामदीद कहना चाहिए था, लेकिन कल जो तुमने हरकत की है उसके बाद तो तुम्हारा यहां आना बनता ही नहीं है। जर्फ वाला हूं इसीलिए आया हूं, वरना कल जो आप लोगों ने हरकत की है अपनी आज की जिंदगी मेरा एहसान समझे। मेरे ही घर में मुझे ऐसा दिखाकर धमकी देते हो तुम? धमकी नहीं है ये, मैं ऐसा वाकई कर सकता हूँ मेरा यकीन कीजिए। मेरी इजाजत के बगैर मेरी जमीनों पे घुसे और मेरे ही बंदों को पकड़ कर ले गए तुम। तो क्या आप नहीं जानते कि मैंने ऐसा क्यों किया? मुझे क्या पता ऐसा क्यों किया तुमने, लेकिन गलती तुम्हारी है। हमारे ताल्लुकात इस बात की इजाजत नहीं देते हैं कि जब मुंह उठाया मेरी जमीनों पे घुस के जाके। बस अपने बेटे को बुलाइए। मेरे बेटे ने क्या किया? ये उसी के बंदे बताएंगे और फिर ये बात पंचायत में होगी। अगर आपका बेटा भागा ना तो? भागेगा क्यों, वो मर्द का बच्चा है, मेरा बेटा है वो। जाओ अलग जुबैर को बुला के लाओ, जल्दी जाओ। क्या हुआ था मालिक? कल मुश्तसिम खान की बीवी हमारे खेत में आई थी, हम मलिक जुबैर के साथ वहां खड़े थे, तो मालिक मलिक जुबैर ने कहा कि मुश्तसिम खान की बीवी को घेर के पकड़ लो। और उसे मलिक जुबैर के अड्डे पे पहुंचा दिया जाए। तो हमने इन्हीं के कहने पे मुर्तसिन खान की बीवी को पकड़ा और उन्हें गोदाम में बंद कर दिया। झूठ बोल रहे हैं बाबा, इल्जाम लगा रहे हैं लोग मुझ पे, झूठ बोलता है। तुम्हारे खास बंदे तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे, हाँ, क्योंकि ये सब अब तुम्हारे साथ मिल गए हैं।
बाबा आप मेरी बात का यकीन करें, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, ये इतनी साजिश है, बदनाम करना चाहता मुझे। मेरा बेटा तुम्हारी बीवी के साथ ऐसा क्यों करेगा? ये बात भी आप लोगों के बंदे बताएंगे। बता। मालिक बीवी के हवस में खान से अपनी जमीनें वापस लेना चाहते थे। झूठ बोल रहा है, तुझे शर्म नहीं आती थी तो मैं मार दूंगा। जानते तो मैं तुझे मार दूंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि एक बूढ़ा बाप जवान बेटे की लाश अपने कंधों पर उठाए। आप बताइए, पुलिस, पंचायत या फिर मैं फैसला करूं? बीबी आप तो हैं इतनी खूबसूरत, जबी तो खान को अच्छी लगने लगी आप। सच कहते हैं, कभी कभी खूबसूरती जिंदगी का हिसाब बन जाती। हाँ, कल रात तो खान पर एक अजाब ही गुजरा है। आप तो होश में नहीं थी, पर आपको देख के खान के तो होश ही उड़ गए। जैसे ही वो लोग आपको लाए हैं ना, सारी रात आपके सिराने बैठ के गुजार दी। दिन निकल गया, उनको तो कुछ होश ही नहीं, ना खाने का ना पीने का। और तो और अपने जानी दुश्मन के घर पहुंच गए आपकी खातिर। कौन है मुर्तसिम खान का जानी दुश्मन? वही मलिक मुख्तार, जिन लोगों ने कल आपको अगवा करने की कोशिश की थी ना, उनके औताक पे पहुंच गए। बहुत ही जालिम और खूंखार हैं, तौबा अल्लाह बचाए। और वो मलिक मुख्तार का बेटा नहीं है जुबैर, वो तो एक नंबर का बदमाश और आवारा लड़का है। न जाने कितने खून हैं उसके सर पर। अल्लाह माफी, अल्लाह बचाए हमारे खान को उन लोगों से। बस सब समझता हूं मैं मुर्तज़िम, ये जो साजिश कर रहे हो ना तुम, तुम्हारी इस झूठी मनगढ़ंत पे कोई यकीन नहीं करेगा। ना समझ है इसे बताएं, जब मैं पंचायत में आप ही के बंदे आपके खिलाफ पेश करूंगा और उनको बताऊंगा कि ये सब कुछ आपके हुक्म से हुआ है, तो सब लोग मेरी बात का यकीन करेंगे। फिर क्या इज्जत, क्या असर रह जाएगा आपका? क्या चाहते हो तुम? बाबा मैं बात कर रहा हूं ना, मत बोलो बीच में। क्या फैसला है? माल के बदले माल, दौलत के बदले दौलत और इज्जत के बदले इज्जत। क्या अब तेरी
इतनी हिम्मत हो गई है कि तू हमारी हवेली की औरत मांगेगा, तुझे तो मैं यही मारूंगा।